ये हमने कब कैच कर ली है ना, मेरी स्किन तो वैसे ही बहुत चमक रही है, मुझे तो जरूरत ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, आके मुलाकात होती है। घर आते ही सबसे पहले मुझे अपने बाल बांधने होते हैं, फिर मैं कपड़े चेंज करके अपने रिलैक्सिंग मोड में आ जाती हूँ। तभी से पसीना आना शुरू हो गया। तो मैं यूनिवर्सिटी आती नहीं आती हूँ तो पूरी क्लास मतलब होती नहीं है, सबसे पहले आती थी खाली। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब मैं अपना खाना खाने लगी हूँ और खाना मैंने बाहर से मंगवाया एक न्यू जगह से और उनका टेस्ट अभी मैंने ट्राई करना है कि कैसा होगा। बिल्कुल ही देसी मैंने ऑर्डर किया है, बिल्कुल मैंने दाल अचार ही ऑर्डर की, प्लस साथ में सादा रोटी और साथ में मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर की। ये है चिकन बिरयानी, इसको टेस्ट करते हैं पहले। बिरयानी का टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा, जैसी मुझे पसंद है, मज़ेदार बिरयानी होती वो है जो थोड़ी सी स्पाइसी हो, अच्छा टेस्ट हो जिसका। पता नहीं कुछ लोग पुलाव में कलर डाल के समझते हैं हमने बिरयानी बना ली, मगर वो बिरयानी नहीं होती, ये अच्छी है बस। ये है दाल अचारी, इसको भी ट्राई करते हैं। क्या हरकत है, पता है तुम्हारे हाथ बहुत पिंक हैं, बाहर से आवाज आई है। भूत इज हियर नील, बाहर देख कर आओ कौन है, अगर भूत हो तो साथ चली जाना, अंदर ना आए कोई, सारा मेरा बाल खराब कर दे गंदी। इतनी मुश्किल से मैंने सेट किए, पहले इतना ऑयल आया हुआ मेरे बालों में। एक तो इसको पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, जरा सा एंजॉय नहीं करने देना इस लड़की। अस्सलाम वालेकुम, मरी हुई क्यों हो तुम, यहाँ आके तुम्हें मौत पड़ जाती है। जैसे पारी लाई हो बैग में, शायद एक आधी हो। गिव मी गिव मी गिव मी, ये क्या है बदतमीज, ये तुम्हारे अंदर से जो मैं खुजली होती है ना, अपने ही किया करो। ए फायजा ये कौन से स्टेशन पे जा रही हो तुम, मुझे भी दो अभी, तो तुम डाइटिंग पे थी। सारा इसे केली के लिए मंगाया, यही खाती रहती है हमारे घर में बस, है ना, मुंह से पता चल ही रहा है। शनील गेट आउट, पानी ला दे पानी, दौड़ के जाओ, दौड़ के आना। यस, बाल कर्ल किए मैं बच्ची ने, हाथ टूट जाता मेरा अभी। और हमारी गुड नाइट होने लगी है, ये देखो घोड़े बेच के अभी तक सो भी चुकी है। साथ ही ड्रामे देखने लग गई है, पाकिस्तानी औरत। कौन सा ड्रामा देख रही हो, वो पागल सी। अच्छा तुम पागल ही हो और ड्रामे भी वो पागल सी। सही है भाई, गुड मॉर्निंग, अभी नाश्ता कर लिया वैसे हमने। अनिल का दिल नहीं लग रहा है, शुमाइल छोड़ के चली गई है हमें। शनील ने कहा भाई मैं तो बोर हो गई हूँ, अब वो आएगी तो मैं, मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट ड्रामा है। सही है, ठीक है। शनील हमारे घर आई ही सिर्फ ड्रामे देखने हैं और वो यूट्यूब ओपन करके बैठी हुई है, तो मैं बोर हो रही थी, मैं तब तक फिर अपना फेसबुक की वीडियोस पे थंबनेल अपलोड कर लूँ, ठीक है, करिए आराम से जो करना है करो, मैं तो भाई ड्रामे देख। खुद लगाते हैं अभी, जब आप सैलून में नहीं बैठी हुई, ठीक है, आधा काम खुद करना है। मैं शनील का फेशियल करने वाली हूँ और सुबह सुबह हम उठ गए थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया, तो इसको अपना ख्याल रखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मैंने सोचा मैं करती हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम मेरी तरफ आ जाए करो। वो सामने अंकल नजर आ रहे हैं, वो भी देख, कौन सा अंकल, वो इतना दूर बेचारा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, बच्चियाँ देख रहे हैं, उसकी भी जरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। अब शुरू करें, एक इसका अंदर पड़ा मिले, ब्लीच तो नहीं ना करनी, अपने फेस पे ना ऐसे अच्छे से कर लो,
फुल गीला होना चाहिए। ओके सर, मैं शैनील के जो फेशियल करने वाली हूँ, एडीएस का भी मेरे पास पड़ा हुआ था, न्यू ही हम लोगों ने मंगाया हुआ था, वही करने वाली हूँ। शैनील ब्लीच वगैरह तो यूज करती नहीं क्योंकि लेजर करवाना होता है ना, अभी भी करवाया था उसने, इसलिए जो भी लेजर करवाते हैं ब्लीच तो यूज करते ही नहीं है, तो मैं खाली क्लींजिंग और स्क्रबिंग वगैरह करती हूँ, वैसे भी यूज नहीं करती हूँ उसका। हाँ, और वो कहती है मैं वैसे भी यूज नहीं करती क्योंकि ब्लीच जो है स्किन को बहुत ज्यादा खराब करती है, ठीक है। और हम भाई बहुत ज्यादा स्किन कॉन्शियस है, पूरा फेशियल इन्हें गोल्ड गोल्ड कलर का है ताकि ना आपकी स्किन जो है ना वो गोल्डन गोल्डन कलर की हो जाए, तो इस पर स्टेप जो है ना वो बिल्कुल भी सारे मेंशन है, तो आप बस पढ़ेंगे फेशियल कर लेंगे आराम से बहुत आसानी से। सैलून में अगर आप फेशियल करवाने जाते हैं तो आपको तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये तो नॉर्मल वाले फेशियल का पड़ जाता है, तो शैनील मुझे अभी अभी पे करेगी बिल्कुल, है ना। कभी तुमने सोचा था कि मतलब फेमस अलीना काजमी ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट उससे तुम्हें फेशियल कराने का मौका मिलेगा? वाह, लाइट चली गई लेकिन फिर भी हम बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास आईफोन है। स्टेप हो चुका है फेशियल का, शैनील गई है अपना चेहरा धोने और ताकि दोबारा से अगला स्टेप किया जाए। वो जो मेकअप फेशियल रिमूव करने वाले स्पॉन्जेस थे वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मिल नहीं रहे थे मुझे, पढ़ना पड़े घर में ही हुए थे, तो मैंने सोचा अब तुम्हें हर स्टेप के बाद जाके मुंह धो के आना पड़ेगा। मेरी स्किन तो वैसे ही बहुत चमक रही है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, और वैसे उससे मेरे से ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा प्यारी है, और स्किन उसकी बहुत माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी है, मगर हर स्किन को ज़रूरत होती है क्लिनजिंग की, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम वो करते हैं। शुमाइल की कभी घर पे नहीं थी, उसको कुछ काम था, वो बाहर गई हुई है, जैसे ही वो आती है तो फिर हम थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, उसके अलावा हम बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि हम फेशियल करते हैं। आखिरी वाला बटन है ना, लास्ट वाला, वो यूपीएस वाला है। हाँ, आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है माइक्रो गोल्ड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, ठीक है, ये भी गोल्ड ही है। अभी तुम्हारा जो चेहरा है ना ऐसे सोने की तरह चमकेगा कि बस नहीं किया, अच्छे से बरसते। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारे पास एरियस स्किन परफेक्शन डीप क्लींजर, और क्लींजर आप कहेंगे भी हमने पहले भी यूज़ किया था, इसमें दो क्लींजर्स आते हैं, एक जो है वो आई थिंक स्किन पॉलिश से पहले, और एक बार स्किन पॉलिश कोई ब्लीच वगैरह आ जाती है वो मैं हमने नहीं की क्योंकि शैनील को करना पसंद नहीं है, तो हमने स्टेप टू स्किप कर दिया और फर्स्ट किया उसमें क्लींजर था, वो एक सिंपल क्लींजर था, ये डीप परफेक्शन क्लींजर है जो हमने फोर्थ स्टेप पे करना है, थर्ड पे स्क्रब था जो भी किया। बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका ना, इस क्लींजर का बिल्कुल मिल्क की तरह, इसको ऐसे अभी हमारे पास है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये भी हमने फेशियल के करते हुए भी 5 स्टेप है, ये अब हमने लगानी है। ओ ये बहुत ही मसाज क्रीम है, ठीक है, सिंपल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये बहुत ज्यादा नहीं लगानी। फेशियल हमारा कंप्लीट हो गया और आप चेहरे पे ग्लो चेक कर रहे हैं? नहीं, ग्लो नहीं है, अभी भी पील ऑफ मास्क लगा हुआ है और ये भी रिमूव हो जाएगा, पील हो जाएगा, तो अभी हम तब तक इसका वेट कर रहे हैं और टाइम होने वाला है, शुमाइल भी आ जाएगी, उसके बाद वो देखेगी इसका चेहरा चमकता हुआ। थैंक यू तो बोल दो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलते हुए आवाज नहीं निकलती अलग से बिल्कुल भी नहीं, ना इसके ना शुमाइल के, सोचो भी मत। 20 minutes later. जनाब का फेशियल किया और अब उसकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं कि मेरे बालों में ऑयल भी लगा दो, तो हमने कहा चलो जी के बाल, ठीक है, ऑयल लगाना है, चलो वो सामना तेल, ठीक है। Few moments later. जा रहे हैं नीचे, लेकिन उससे पहले ना शैनील ने कहा ये नर्सरी कितनी प्यारी लग रही है, मौसम बाहर अच्छा है, तो मैंने कहा बाहर जाकर दिखाते हैं। ओए रेनबो, ये देखो ये हमने कब कैच कर ली है ना, हल्की बारिश भी हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है और रेनबो भी हमने देखी, अगर नजर आ रही होगी तो प्रॉपर। हम व्लॉग को एंड करते हैं, अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।